हिंदू एकता पद यात्रा के लिए आए हैं। बस यही सब चीजें मन को हमारे खिन्न छिन्न भिन्न कर देती हैं, हृदय को विदीर्ण कर देती हैं। हमारा उद्देश्य भारत को भव्य बनाना। हमारा उद्देश्य है कि अगर अभी भी हिंदू नहीं जागा तो कब जागेगा। अभी आपने ये कोलकाता की घटना देखी, अभी आपने जो है पालघर के संतों की घटना भी देखी। इस देश ने रामचरितमानस को जलते हुए भी देखा। इस देश ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार भी देखा। तो हमने प्रश्न खड़ा किया था भारत की हिंदुओं से, बांग्लादेश के हिंदू तो उन पर अत्याचार हो रहा है तो वो भारत आ रहे हैं, भारत के हिंदू कहाँ जाएंगे। दूसरी बात, आज तुम्हारी दुकानें लूटी गई, तुम्हारी बेटियां लूटी जा रही, कल तुम्हें अगर लूटा जाएगा तो तुम जाओगे कहाँ। इसलिए हम हर समाज को इकट्ठा करने के लिए, इस देश में सबसे बड़ा जहर और सबसे बड़ी दीमक और सबसे बड़ा कुष्ठ रोग लगा है, उसका नाम है जात पात, और इसकी आवाज को हम उठाने के लिए अब गांव-गांव पैदल पैदल जाएंगे और पैदल चल करके हिंदुओं को एक करेंगे। और कोई हमारा उद्देश्य नहीं, ना कोई एजेंडा है हमारा, केवल एक उद्देश्य है कि हमें अपने जीते जी इस देश में हिंदुओं को सुरक्षित करना है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं होगा तो कौन सुरक्षित होगा। तो रूप से ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कानून के रखवाले हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। दूसरी बात, इस देश में हमारे भारत में सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है। दूसरी बात, हम ये कहना भी चाहेंगे भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। धन्यवाद। तरीके का कार्रवाई होना चाहिए अगर खाकी पर हमले होते हैं इस तरीके से जो करते हैं। बेझिझक, देखो वो हमारी रक्षा में, जैसे ये लोग रक्षक हैं, अगर रक्षक के ऊपर कुछ हो जाएगा तो ये जिसकी रक्षा में है उसका क्या होगा। तो हमारे कानून के रक्षक हैं वो, पुलिस की वर्दी हमारे इस देश की कानून की रक्षक है, तो निश्चित रूप से वो सुरक्षा में रहेंगे तब तो हम लोग सुरक्षा में रहेंगे, और वो ही अगर नहीं रहेंगे तो हम लोगों की रक्षा कौन करेगा। यहाँ से प्रारंभ होगा तो पहले दिन की यात्रा कदारी में, दूसरे दिन की पैप्टिक में, और इसके बाद सीधा जो है ओरछा तक। धन्यवाद।